एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, देखा आपके तरफ से भाई जी पूछता है। बहुत सुंदर एक माता ने लिखे थे, हमारा दुकान है सिगरेट मसाले की, तो ये चीजें बेचना चाहिए या नहीं? मन नहीं करता है बेचने का, तो क्या करना चाहिए? बताओ भाई बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बेचना, तो कैसे संसार चले? सिगरेट मसाला नहीं बेचना चाहिए, और मिलना चाहिए ना, एकदम तो नहीं होगा, आज का आज तो नहीं होगा। हाँ, तो उसको कहना चाहिए, हाँ आप धीरे धीरे दूसरा प्रबंध करो, एकदम आज का आज नहीं होगा, एक साल लगेगा, सामान लाया है, पैसे लेके दुकान चला रहा है, अभी आज आपने ज्ञान सुना, आज का बंद कर दो तो कैसे चलेगा घर? हाँ, एक साल के अंदर धीरे धीरे कम करते जाओ, और करो नहीं तो दूसरे बिजनेस देखो। देखो हमने मद्रास में, भाई जी ने कहा मद्रास में प्रैक्टिकल ऐसे भट्टी में एक मछली मारते थे, उसे मद्रास में समुद्र है, मछली मारने वाले बहुत माकायर, दोनों युगल है, बच्चे नहीं है, पति और पत्नी दोनों भट्टी में बैठे थे। हमने कहा मछली मारना भी एक पाप है, तो पाप प्राणी हिंसा है, तो उन्होंने सुना, कुछ पूछा नहीं। तो सुनने के बाद 2 साल के बाद फिर मैं गया था भट्टी कर, ऐसे भट्टी कर, तो बहन जी को बताया, तो उन्होंने बहन जी उन दोनों को लेके स्टेज पर आई, भाई जी आपने 2 साल पहले भट्टी में कहा था हिंसा नहीं करना, मछली का बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये दोनों युगल रोज मछली में मार के पत्ती ले आता था, माता जी बेचती थी, दोनों ही है। अभी उन्होंने 2 साल से जब से भट्टी के बाद मछली बेचना बंद कर दिया, फूल का बिजनेस शुरू किया, फूल लेके आते हैं और मंदिर के सामने बैठते, माता जी फूल की हार बनाती है, पति फूल लेके आता है मार्केट से, और दोनों का जीवन चल रहा है। ये प्रैक्टिकल 2 साल के बाद। ऐसे लंदन में एक व्यक्ति गुजरात का है, अभी भी है, 2 बेटे हैं और गुजराती है, मांस का मांस बेचता था दुकान, आज से कम 20 साल हो गए। तब ये दोनों ज्ञान में आए, गुजरात के थे, लंदन में जाके दुकान उनका ऐसा है, तो उसको लगा ज्ञान सुने का ये नहीं करना है, क्या करो, तो दुकान ही उन्होंने दूसरों को बेच दिया, उस बच्चे से बच्चों को पढ़ाया, और दोनों माताजी सेंटर संभालती है, पति भी सेंटर की सेवा कर, दोनों बच्चे सेंटर के सब सेवा करते, नौकरी भी करता है, चेंज कर सकते हैं, टाइम लगता है, एकदम आज का आज नहीं, आज का आज करो आप, एकदम हो जाओ, हाँ ज्ञान मिला, धीरे धीरे और करना कम करो, और धीरे धीरे दूसरा बिजनेस करो, देखना चाहिए कौन सा करना चाहिए, कैसे कर सकते हो, है ना, तो ये विधि चाहिए, क्यों उससे और दूसरों को हमारा पाप बनता है, पाप बनने वाले करो नहीं करो, मंजूर हो सकता है, ये तकलीफ है, भाई जी बताओ। मतलब पाप तो हो जाता है, मच्छर और चूहा मारना पड़ता है। हाँ, मच्छर और चूहा। हाँ, भाई जी ने बहुत अच्छी बात बताई, देखो नहीं नहीं उसने बताता हूँ, उसकी भी विधि बताता हूँ। अमेरिका में एक भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बॉम्बे में, इधर में कहा गुजरात में, उसकी लड़की बहुत बड़ी साइंटिस्ट है अमेरिका में, और पक्का ज्ञान में रोज चलती है, कन्या है, उसने मुझे कहा, वो बड़े साइंटिस्ट है, भाई जी जो कैंसर की दवाई बनाती है वो अपनी कंपनी बनाती है, मैं साइंटिस्ट हूँ, चूहे के ऊपर प्रयोग करते हैं, चूहे को इंजेक्शन देता है, वो तड़पता है, इतना तड़पता है, तो पता चले ये दवाई से ये तड़पता है, और एक दवाई देते हैं उससे वो ठीक हो जाता है, साइलेंट शांत हो जाता है, तो हमें दवाई को एक एक चूहे के ऊपर, बंदर के ऊपर प्रयोग करना पड़ता है, क्या मैं उनको दुख नहीं दे रही हूं, तो मेरे पर पाप नहीं, तो क्या जवाब देंगे आप बताओ? अब उसने, वो अभी भी है साइंटिस्ट है, जो दवाइयां बनते हैं कैंसर की भी, जैसे आपको कहते हैं, वो कहता है कि हम इंजेक्शन लगाते हैं कैंसर वालों को, तो वो दवाई जो है इंजेक्शन है पहले चूहे पर प्रयोग करते हैं, बंदर के ऊपर प्रयोग करते हैं, तो बंदर को चूहे को लगाते वो बहुत तड़पता है, उसको बहुत ये दर्द है, मैंने दिया उसको, कहे मेरा पाप नहीं, मैं छोड़ दूं नौकरी, ये बिजनेस पढ़ना साइंटिस्ट है, रिसर्चर कर रहे हैं, तो छोड़ दे, क्या करें, उसका उपाय बताओ। हाँ देखो बहन जी ने क्लिक किया, देखो आज वो जो कर रही है अपने लिए नहीं कर रहे, 1% पाप होता है, 10 लाख लोगों को उससे दवाई मिलती है, इसने कर दिया, तो 1% पाप किया लेकिन अपने लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए किया, तो वो पाप खत्म हो जाता है, लेकिन पुण्य कितने लोगों को दवाई मिला उसको बोला, तब उसके अंदर हिम्मत आई, जब ज्ञान सुन के वो कहने लगती थी मैं अभी जाऊंगी नहीं अमेरिका, मैं वो साइंस पढ़ने के छोड़ती हूँ, हमने कहा नहीं आप अपने लिए नहीं कर रहे हो,
आप जान बुझ के नहीं कर रहे, जो इसको हिंसा दे होता है 1%, लेकिन लाखों लोग ठीक हो जाएंगे, लाखों लोगों की दुआई के सामने, पुण्य के सामने 1% पाप। किसी के लिए कुछ करना भी पड़ता है, तो इसके लिए आप जो कहते हैं जो भी करते पाप है। हाँ, मच्छर के भी, अभी मच्छर को भी मारना है, आप बाहर मच्छर को जाके मारते नहीं हो, आपके आंग पर बैठता है, दर्द आपको काटा, तब बचने के लिए कुछ करते हो, है ना। बाहर मच्छर जाके मार रहे हो तो ये आपके ऊपर पाप। रस्ते पर कुत्ता जाता है उसको मारते हो, आपके ऊपर पाप। गाय को मारते हो, आपके ऊपर पाप। अगर गाय आपके खेती में आकर के खाती है तो आपने मारा बचाने के लिए, तो वो आपके ऊपर पाप। आपने बचाया प्रोटेक्शन के लिए, समझा। हर चीज की कर्मों की गति है, कहां कैसा।